क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? क्या किसी और धर्म के लोगों से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है? क्या मुसलमानों से वाकई नफरत करती है बीजेपी? अब तक बीजेपी पर विपक्ष यही आरोप लगाता आ रहा है, लेकिन अब तो उसके नेता खुद कबूल करते हैं कि हाँ, हम मुस्लिम विरोधी हैं, हमारे घर में अल्पसंख्यकों की एंट्री नहीं है। जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी विधायक का कहना है कि हमें मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई अभी तक देश में यही नारा सुना था, लेकिन लगता है कि बीजेपी के आने के बाद ये बदल गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो मुसलमानों को भाई समझते ही नहीं, भाई तो दूर, वो उन्हें देश में ही देखना पसंद नहीं करते। जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल की यही सोच है कि देश में मुसलमानों को रहना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, इन्हें इस समुदाय के लोगों में केवल अपराधियों की छवि ही दिखती है। तभी तो उन्होंने अलवर में जितने भी अपराध हुए उसका सारा दोष मुसलमानों पर मढ़ दिया। ये विवादित बयान देने के साथ साथ बीजेपी विधायक ने तो कबूल किया है कि हाँ, हम मुस्लिम विरोधी हैं, इसीलिए मैं इन लोगों से वोट भी नहीं मांगता। जिला वैश्य महासम्मेलन समिति की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि मेरे घर में मुसलमानों का प्रवेश नहीं है। अब जब बीजेपी के नेता खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, तो फिर विपक्ष के हिंदुवाद की राजनीति करने के आरोप तो सही ही होंगे, लेकिन सच ये है कि सरकार किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए बीजेपी को भी ये समझ जाना चाहिए कि हिंदू हो या मुस्लिम, सब इसी देश का हिस्सा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।